हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल VNY Tech Pro Plus में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर वीडियो में बस एक ही कमेंट पूछा जा रहा है कि सर, गुजरात बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का रिजल्ट यानी सर्टिफिकेट कब से डाउनलोड होना चालू होगा और नेट पे कब से शो होना चालू हो जाएगा और हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसको कितने दिन बाद। तो इस वीडियो में यही सब कुछ होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप लोग समझ सकते हैं और जान जाएंगे कि आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होना कब से चालू हो जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग उसको कब से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VNY Tech Pro Plus में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबको ध्यान से समझते हैं सब बातों को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि गुजरात बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का जो आपने अभी रिसेंटली में एग्ज़ाम दिया था और जो भी कैंडिडेट पास हो गए हैं, तो उन लोगों का सर्टिफिकेट ऑनलाइन के माध्यम से कब डाउनलोड होना चालू होगा, तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का सर्टिफिकेट 2 महीने बाद डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और 2 महीने बाद किस वीक में चालू होगा उसको भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आप लोग का सर्टिफिकेट यानी अभी आपका चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के लास्ट वीक में आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और आप लोग उसको ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग सही समझ रहे हैं और सही सुन रहे हैं कि आप लोगों का सर्टिफिकेट नवंबर के लास्ट वीक में जारी हो सकता है और आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बारे में जैसे ही कोई अपडेट आता है गुजरात बॉयलर के द्वारा, तो मैं नए वीडियो में आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट तारीख कौन सा रहेगा कि आप लोग उसी तारीख को अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी लोग इस बार पास हुए हैं और जो लोग अभी डब में हैं कि सर मैं पास हुआ हूँ या नहीं, तो वो लोग नवम्बर का इंतज़ार कीजिए, आप लोग का सर्टिफिकेट डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, किन किन लोगों का मैसेज आया है गुजरात बॉयलर के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर पे, वो लोग कमेंट करें।